अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे मेरी तरह। ले जी, आज आपका भाई एक टूर पे जा रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ बोगर में। वो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसने जी हमें एक न्यू ईयर का एक गिफ्ट दिया है। उन्होंने हमारे लिए होटल बुक करवाए हैं, लंच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अभी जाएंगे तो पता लगेगा कि जी क्या सीन है। बाकी तकरीबन 20 मिनट तक 20 मिनट तक मैं निकल रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। और अभी बहुत खूबसूरत, ये देखें, बहुत खूबसूरत सुबह इस टाइम, और बड़ा मज़ा आ रहा है जी मुझे सुबह में। और बड़ा एक्साइटेड हूँ जी मैं आज, के पता नहीं अब क्या होगा उधर जाके, क्या सीन होगा, क्या हम करेंगे। तो देखते हैं जी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, सारा कुछ आपको दिखाएंगे और मे भी ये व्लॉग्स 2 से 3 चलें। तो लेट्स सी होता है क्या। आइए जी चलते हैं। देखें जी, आपके भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कुकिंग की है। ये देखें जी, ज़रूरत की हर चीज़ आपके भाई ने अपने रूम में रखी हुई है। आप देख सकते हैं पानी की बोतलें, और देखिए आपके भाई की बैग पैकिंग हो चुकी है और आपका भाई बस निकलने वाला है। ले जी, आपका भाई इस टाइम निकल चुका है और अभी जी आपका भाई गाड़ी पकड़ेगा और उसके बाद जी आपका भाई चला जाएगा अपनी जी यूनिवर्सिटी में। सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा मज़े का मौसम हुआ हुआ इस टाइम, और इस टाइम जगार्ता का मौसम इतना भी अच्छा नहीं है, गर्मी पड़ रही है। और इतनी ख़ास गर्मी नहीं पड़ रही, लेकिन यह है कि चलो थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। तो इसलिए खैर थोड़ा सा मौसम मुझे इधर का ठीक लगता है, बाकी रात के टाइम मौसम बड़ा मज़े का होता है। चलें जी चलते हैं, साथ आपको दिखाते हैं। लें जी, अभी हम जा रहे हैं हर स्टेशन तक जाएंगे, उससे आगे फिर बोगर के लिए निकलेंगे। पहुंच चुके हैं हम स्टेशन पे बोगर जाने के लिए। देखो जी ब्याह तो आया हो। नहीं जी, इस टाइम पहुंच चुके हैं अभी। मेरे ख्याल से अभी टिकट शिकट लेंगे तो फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। नहीं जी, अभी हम टिकट लेने लगे हैं, फिर इधर से जी बोगर के लिए निकलेंगे। नहीं जी, मेरे ख्याल से ये जो केरल है कि इससे पहले ही मैंने केरल पर सफ़र किया हुआ, लेकिन जगार्ता के अंदर ही किया था। ये जी पूरे इंडोनेशिया में जाती है, पूरे इंडोनेशिया में मेरे ख्याल से बाली नहीं जाती, बाकी हर जगह ये जाती है। तो बड़ी मज़े की जी ये ट्रेन है, बड़ा मज़ा आता है इस पर, बड़ी कम्फर्टेबल है और बहुत साफ़ सुथरी, एक कहते हैं ना फुल पैकेज वो है। कार्ड इधर यूज़ होता है और बाकी और भी किस्म के कार्ड है, तो मेरे ख्याल से 4000 का टिकट है कार्ड का। देखें जी, मुझे पता नहीं है कि इसमें पैसे हैं क्या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, तो अगर हो गए पैसे तो ग्रीन बत्ती चल जाएगी। वाइट्स नॉट वर्किंग, चार्जिंग पूरा गया। 5000? ओह माय गॉड, पैसे कम पड़ गए हैं, तो वापस जा रहे हो क्या? कार्ड में पैसे खत्म हो चुके थे, आपके भाई पैसे अब करवाने आया था, बैलेंस रीफिल किया आपके भाई ने। देखें जी, अभी वेट कर रहे हैं कब आएगा और कब फिर हम जाएंगे, ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम। देखें जी, इतने बड़े बैग लेके चल रहे हैं, तो मैंने छोटा सा बैग लिया हुआ है, 2-3 दिन के लिए बस जा रहे हैं। इस टाइम हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और तकरीबन 3 मिनट तक जी ट्रेन आ रही है, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। और बड़ी सस्ती टिकट है यार, कोई 4000 रुपये में, और तकरीबन पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो कोई 200-250 रुपये में मेरे ख्याल से तकरीबन आप चले जाते हैं अगर दूसरे शहर में, तो बड़ी सस्ती टिकट है। मैं तो अभी समझ रहा था कि बड़ी महंगी होगी, लेकिन बहुत सस्ती टिकट है। बाकी जी मेरे ख्याल से ट्रेन आ रही है, तो आपको दिखाते हैं जब ट्रेन आती है। देखें जी, ट्रेन आ चुकी है।
हैं जी, इस टाइम ट्रेन आ चुकी है और अभी हम जा रहे हैं इसमें। अब पता नहीं अब खड़े होने कोई जगह मिलेगी या बैठने को भी शायद मिल ही जाए। ये देखो जी ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया, मैं बिबू देवी के अंदर फंस गई हैं। ये देखो कोई दरवाजा खोले देखें जी रश देखें ट्रेन में कितना ज़्यादा रश देख रहे हैं आप। मुझे लगता है खड़े होकर जाना पड़ेगा। जी आपका भाई इस टाइम ट्रेन में खड़ा हो गया और मुझे नहीं लगता कि बैठने की जगह मिलेगी आगे भी, क्योंकि जितना रश मुझे नज़र आ रहा है रश बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल चलो खड़े हो गए ही बंदा वैसे इजी है। तो मैं तो खड़ा हूँ, लुका क्यों खड़ा हुआ? लुका भी खड़ा रह गया। चौथा स्टेशन आया और अभी ट्रेन रुकी हुई है। हाँ अभी फिर से चल पड़ी है ट्रेन, तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई घंटा डेढ़ तो मैं लगेगा उधर जाते हुए बोकर जाते हुए। तो आपका भाई अभी गाने सुन रहे हैं साथ साथ एंजॉय कर रहा है, देख रहे हैं आप। क्या जी अभी ये कौन सा स्टेशन आया कोई पता नहीं है, लेकिन ये फिर एक नए स्टेशन पर फिर से ट्रेन रुकी है, हम तो बस चलते ही जा रहे हैं। दोनों साथ खड़े हुए हैं, आपके भाई को सीट मिल गई है, ये बाकी सारी खड़े हुए हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं। कोई भी सफ़र हो किसी ट्रेन की सर रुकी है, कोई भी सफ़र हो किसी भी किस्म का सफ़र भी मेरे से बच्चों का ही होता है। देखिए बच्चे बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे होंगे आपको, कोई वो शरारतें करते हैं अभी चुप करके बैठे हैं। बस एक स्टेशन दूर रह चुके हैं, उसके बाद ही हम पहुँच जाएंगे और आपका भाई खड़ा हो चुका है इस टाइम। यकीन करें इंडोनेशिया का ट्रेन सिस्टम इतना मज़े का है और इतना अच्छा है। और दूसरी बात यह सबसे बड़ी बात जो सी ये है कि ट्रेनें सस्ती बहुत हैं, यानी कि आपने किसी दूसरे शहर में जाना तो बहुत ही चीप रेट में आप जा सकते हैं, बहुत ही सस्ती ट्रेनें हैं और साफ़ सुथरी एसी चल रहे हैं ट्रेनों में। क्या मैं आपको बताऊं, हाई क्लास, यानी कि मैं कहता हूं ना कि जिसे आप हाई क्लास कहते हैं वो है। तो बेशक इनकी छोटी ट्रेनें देख लें या बड़ी ट्रांस जकार्ता, अगर जो यानी कि बीच जकार्ता में चले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनकी इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है जी, इंडोनेशिया में पब्लिक लगती नहीं है कहीं से। लोग बैठे हैं तकरीबन, रश थोड़ा कम हुआ है इन स्टेशन में, से रश थोड़ा कम होता है, बाकी स्टेशन में बहुत ज़्यादा रश होता है। देख रहे हैं इधर अमीर गरीब सारे यानी कि इस ट्रेन इस यानी कि ट्रेन में बहुत सफ़र करते हैं। देखेंगे अमीर लोग खड़े हुए हैं। ने जी बोगर पहुंच चुके हैं इस टाइम। इसकी लुका की एंट्री तो शाहरुख खान जैसी है, देखा आपने? Be careful with your stuff. Be careful with your stuff, Sanda. Ya sudah.
ये ट्रेन स्टेशन से बाहर का सफर है। ले जी, ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी इससे आगे आपके भाई का ब्लॉग आएगा जब आपका भाई होटल पहुंच जाएगा। तो जी अब तक के लिए जी इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि जी आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। जी ओके जी।